हम लोग देखने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जानते हैं कि अब जो पहले जो 10th क्लास में हमारा जो समकोण त्रिभुज बनता था उसमें जो एंगल था हम 0 से 90 के बीच की वैल्यू को देखते थे, जैसे साइन 0 अंश या साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री तक ही हम लोग क्या थे, सीमित थे। लेकिन अब हम लोगों ने देखा कि जो थीटा की वैल्यू होती है ये हमारा जो है 90 से ज़्यादा भी हो सकता है, 180 हो सकता है, 180 से भी ज़्यादा हो सकता है, यानी थीटा की वैल्यू हमारी आप घूमते रहिए कुछ भी हो सकता है। तो हमारा जो थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए हमारा जो होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब की वैल्यू क्या होगी, कभी धनात्मक होगी कभी ऋणात्मक होगी। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि थीटा के कौन से रेंज में कौन सा त्रिकोणमितीय फलन का मान जो है धनात्मक होगा और कौन से त्रिकोणमितीय फलन का मान ऋणात्मक होगा। तो इसके लिए सिंपली हम लोग जो हमारा जो बेसिक है वो डायग्राम हम लोग ड्रा कर लेते हैं। बेसिक डायग्राम हमारा क्या है कि हम लोग जो है एक सर्किल ड्रा करते हैं जिसका जो है रेडियस हम लोग क्या मानते हैं, एकांक है। रेडियस क्या है, एक इकाई है, और इसके सेंटर को हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, ये ओरिजिन हो गया हमारा, और यहाँ पे कोई पॉइंट पी हम लोग ले लिए और इसको यहाँ से मिला दिए। ये हम लोग क्या बोलते हैं, एक इकाई लेते हैं, और ये हम लोग कौन मानते हैं कि क्या है, एक्स रेडियन है। पी से क्या किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। ये लेंथ हम लोग मान लेते हैं कितना है, ए है, और ये लेंथ जो है बी है। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए कामा बी, और ये हमारा प्लस एक्स एक्सिस है, ये हमारा माइनस एक्स एक्सिस, प्लस वाई एक्सिस, ये हमारा माइनस वाई एक्सिस। इसी के हेल्प से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज ओ पी, और इसको कोई नाम दे देते हैं, एल नाम देते हैं हम लोग। तो ये अब देखिए हम लोगों का जो त्रिभुज ओ पी एल में जो साइन थीटा हम लोग डिफाइन करते हैं समकोण त्रिभुज में, थीटा हमारा ये है, थीटा के सामने वाली भुजा हमारी क्या हो गई, लंब हो गई, और ये हमारा कर्ण तो है, कर्ण कितना है, 1 यूनिट है, और बाकी जो ये बचा ये आधार हो गया। तो समकोण त्रिभुज ओ पी एल में अगर साइन थीटा हमारा क्या परिभाषित है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा हमारा परिभाषित है आधार बटा कर्ण। तो यहां से जो हमारा साइन थीटा हो गया, और लंब हमारा क्या है, लंब की लंबाई हमारी क्या है, बी है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, बी बटा ए, यानी साइन थीटा बराबर हमारा हो गया सीधा सीधा बी, और कॉस थीटा बराबर आधार हमारा क्या है, ए, और कर्ण है 1, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, ए, और साइन थीटा बराबर बी। यानी इस एकांक रेडियस वाले सर्किल को ड्रा करने का ये फायदा हुआ हमारा, कर्ण की वैल्यू 1 हो गई, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट पी का, एक्स कोऑर्डिनेट यानी ए, वो हमारा क्या देगा, कॉस थीटा की वैल्यू देगा। ए हमारा क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू देगा, और बी किसकी वैल्यू देगा, साइन थीटा की वैल्यू देगा। अब जैसे जैसे हम लोग जो है थीटा की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जो है ये पॉइंट पी भी बदलता जाएगा। जैसे पॉइंट पी यहाँ आएगा तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये त्रिभुज बनेगा। अब पॉइंट पी अगर हमारा यहाँ आ गया तो यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये हमारा बन गया। अब इसके लिए हमारा एंगल क्या होगा, देखिए इसके लिए थीटा हमारा क्या होगा, 90 प्लस, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन है, यहीं से तो हम लोग एंगल मेजर करेंगे। अब ये क्या हो गया, ये एक्स वाई तल है, तो ये पहला चतुर्थांश हो गया है, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा या चौथा। हम लोग जानते हैं एक्स वाई तल क्या है, ये दो लंबवत रेखा जो एक्स वाई खींचते हैं ये इस पूरे तल को 4 बराबर भागों में बांटती है, इसको पहला चतुर्थांश मतलब कि पूरे का चौथा अंश, ठीक है। तो ये फर्स्ट पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। और एक पॉइंट हम लोगों को ये भी पता है कि जब एक्स वाई तल हमारा जो है दो लंबवत रेखा हम लोग खींचते हैं तो पूरे तल को 4 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, ये एक्स माइनस एक्स, ये वाई, ये माइनस वाई, ठीक है। ये हमारा क्या रहता है, ओरिजिन 0, 0, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट चतुर्थांश, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, क्या बोलते हैं, चतुर्थांश, चौथा अंश।
अब हमारा ये पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट ही साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू दे रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या कॉस थीटा की वैल्यू दे रहा है, वाई कोऑर्डिनेट हमारा साइन थीटा की वैल्यू दे रहा है। जैसे जैसे थीटा चेंज होगा हमारा पॉइंट पी फर्स्ट चतुर्थांश से सेकंड में जाएगा, फिर थर्ड में जाएगा पॉइंट पी, फिर फोर्थ में जाएगा पॉइंट पी हमारा। तो अब हम लोगों को ये भी पता है कि अगर इस कोऑर्डिनेट में कोई भी जो है पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट, तो इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पे आप परपेंडिकुलर डालेंगे और वाई अक्ष पे परपेंडिकुलर डालेंगे। जो ये जो हमारा डिस्टेंस होगा ये एक्स होगा और ये वाई होगा, ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट चतुर्थांश में कोई भी बिंदु अगर हमारा मौजूद होता है पहले चतुर्थांश में इसमें, तो उसके लिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड चतुर्थांश में हम लोग देखें यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो ये एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, और ये एक्स कोऑर्डिनेट किधर, एक्स नेगेटिव एक्स पे मेजर कर रहे हो तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया नेगेटिव, वाई पे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो वाई पॉजिटिव मेजर कर रहे हो तो ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो यानी एक्स कोऑर्डिनेट माइनस होगा सेकेंड चतुर्थांश में अगर कोई भी बिंदु हमारा होगा, तो उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा माइनस होगा और वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये हम लोग पहले से जानते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी बिंदु है तो एक्स अक्ष पे ड्रा करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट और ये क्या होगा नेगेटिव होगा, और वाई अक्ष पे ड्रा करेंगे तो ये लेंथ मेजर करेंगे ये लेंथ हमारा, तो ये भी क्या होगा नेगेटिव होगा। तो तीसरे चतुर्थांश में हमारा क्या होता है एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। चौथे चतुर्थांश में आप एक्स पर ड्रा किए परपेंडिकुलर ड्रा किए तो क्या हो गया ये डिस्टेंस पॉजिटिव, और वाई पे ये डिस्टेंस मेजर किए तो क्या हो गया नेगेटिव हो गया। तो यानी फर्स्ट चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में हम लोग जानते हैं क्या होता है एक्स और वाई दोनों प्लस होते हैं, पहले चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों प्लस होते हैं। सेकंड चतुर्थांश में एक्स हमारा क्या होता है, एक्स हमारा नेगेटिव होता है और वाई क्या होता है पॉजिटिव होता है। तीसरे चतुर्थांश में एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। चौथे चतुर्थांश में हमारा क्या होता है, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, ये सिंपल सी चीज है जो हमको पता है। तो अब हमारा इसका मतलब क्या हुआ कि जब थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में होगी तो हमारा पॉइंट पी कहाँ रहेगा, इसी इसी में रहेगा पहले कोऑर्डिनेट में, क्योंकि पॉइंट पी यहाँ से लेके जब यहाँ तक कोई भी त्रिभुज बनेगा थीटा की वैल्यू हमारी 0 से π/2 के बीच में होगा। यानी पहले कोऑर्डिनेट में, पहले चतुर्थांश को कोऑर्डिनेट भी बोला जाता है, जब थीटा की वैल्यू 0 से π/2 होगी तो पॉइंट पी हमारा क्या होगा, जो पॉइंट पी होगा ये इसी इसी में होगा पहले, और पॉइंट पी जब पहले चतुर्थांश में होगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू जब 0 से π/2 के बीच में होगी तो साइन थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और कॉस थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। ये पॉइंट हमको समझ में आ गया, क्योंकि ये एकांक जो है लंबाई वाला जो हम लोग जो त्रिज्या वाला वृत्त खींचा है, तो इसमें जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पी का है वही तो हमारा ये साइन थीटा और कॉस थीटा दे रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट पी का कॉस थीटा की वैल्यू देता है, वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा की वैल्यू देता है। तो थीटा की वैल्यू जब 0 से π/2 के बीच में रहेगी तो पॉइंट पी हमारा इसी कोऑर्डिनेट में रहेगा, यानी जब थीटा की वैल्यू 0 से π/2 तो होगी तो साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे। अब हम लोग देखते हैं, यानी अगर हम लोग यहाँ लिखें, चलिए अभी आगे हम लोग लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं। जब थीटा की वैल्यू 9 π/2 से ज्यादा होगी, π/2 से जैसे ही ज्यादा होगी तो हमारा पॉइंट पी सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, और कहाँ तक रहेगा, जब जब थीटा की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी कितनी पाई हो जाएगी, यानी π/2 से π के बीच में हमारा क्या रहेगा, ये सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा पॉइंट पी रहेगा। और सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट माइनस होता है और वाई कोऑर्डिनेट प्लस होता है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा ऋणात्मक होगा और साइन थीटा क्या होगा धनात्मक होगा। यानी थीटा की वैल्यू जब π/2 से π के बीच में होगी तो हमारा क्या होगा कॉस थीटा नेगेटिव होगा और साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी। तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रेंज निर्धारित कर दे रहे हैं कि इस रेंज में जो है
थीटा के, साइन थीटा कॉस थीटा या और त्रिकोणमितीय अनुपात का चिन्ह इसके यही होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अब अगर हमारा पॉइंट पी यहां पे आएगा तो हमारा जो थीटा की वैल्यू होगी, ये पॉइंट पी अगर हम लोगों का यहाँ पे आया ये, तो इसका मतलब क्या होगा हमारा, ये किस थीटा के लिए होगा, थीटा की वैल्यू पाई से ज्यादा होगी, यानी पाई से ज्यादा होगी, और इस यहां तक बना रहने के लिए क्या होगा, पाई प्लस पाई बाई टू, यानी पाई से लेके 3π/2 तक हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा दोनों नेगेटिव होते हैं, यानी अगर थीटा की वैल्यू पाई से 3π/2 तक हुआ तो साइन थीटा कास थीटा दोनों क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, और जब 3π/2 से और यहाँ पे आ जाएगा क्या हो जाएगा, 2π थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा धनात्मक होगा और साइन थीटा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। बस यही पूरा हमारा कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। अब इसी पॉइंट को हम लोग लिख लेंगे, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का जो चिन्ह हमको अगर पता चल जाए तो तुरंत ही हम लोग जो है और चिन्ह भी पता कर लेंगे, क्योंकि टैन थीटा हमारा क्या डिफाइन होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा कोसेक थीटा कॉट थीटा सबका चिन्ह हमको पता चल जाएगा, केवल हमको साइन और कॉस का चिन्ह पता करना है। तो इससे एक बेनिफिट ये होगा हमारा कि थीटा के एक पर्टिकुलर रेंज में हम लोग ये बता देंगे कि यहाँ पे अगर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात है थीटा की वैल्यू इतने के लिए, तो उसका मान धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, ये हमको सहूलियत मिल जाएगी। तो वही फिगर हम लोग दोबारा यहाँ पे बना रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो सीखा है उसी को नोट कर लेंगे बस। ये हमारा ओरिजिन हो गया और ये हमारा पॉइंट पी, और यहाँ से हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये हमारा कोण, ये एक्स रेडियन है, और ये एक इकाई है, ये लेंथ हम लोगों ने क्या माना है कि ए है, और ये लेंथ अगर बी है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए कामा बी, और जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, ए, यानी एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, कॉस थीटा, ये क्या होता है, ए, और साइन थीटा हमारा क्या होता है, बी, यानी वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया, यानी हम लोग ऐसे कहें कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट पी का, एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट पी का, ये हमारा किसकी वैल्यू देता है, कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा का मान, और पॉइंट पी का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट ये हमारा किसकी वैल्यू देता है, साइन थीटा की वैल्यू, और जैसे जैसे थीटा हम लोग बदलते जाते हैं वैसे वैसे हमारा क्या हो जाता है, ये पॉइंट पी बदलता चला जाता है। अगर जो है पॉइंट पी हमारा अगर यहाँ पे आता है तो थीटा की वैल्यू हमारी क्या होती है, π/2 से ज़्यादा होती है। अगर इसमें तो पहले क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट चतुर्थांश को हम लोग क्या लिखेंगे, उसमें थीटा की वैल्यू क्या है, 0 से π/2 है, पहले चतुर्थांश में हमारा क्या है, थीटा यानी एंगल की वैल्यू क्या होगी, 0 से π/2 होगा। तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि जो पहला चतुर्थांश हमारा होगा, जो पहला चतुर्थांश होगा उसमें हमारा जो एक्स की वैल्यू होगी 0 से π के बीच में होगी, सॉरी 0 से π/2 के बीच में होगा, ये क्लियर हो रहा है, क्योंकि पहले चतुर्थांश का मतलब कि ये वाला पार्ट। तो इसमें यहाँ पे जब पॉइंट पी होगा तो थीटा की वैल्यू 0 बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पे जब पहुंचेगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2, यानी पहला चतुर्थांश हमारा क्या है, थीटा की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू 0 से π/2, सेकेंड चतुर्थांश में हमारा क्या होगा, थीटा की वैल्यू π/2 से ज्यादा होगी, और यहाँ जब पहुंचेगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x π/2 से बड़ा, इसको क्या पढ़ा जाता है कि x 0 से बड़ा होगा यानी कोण, और π/2 से छोटा होगा, सेकंड चतुर्थांश में π/2 से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा, तीसरे चतुर्थांश में हमारा थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई से बड़ी होगी और पाई प्लस π/2 यानी 3π/2 से छोटी होगी, चौथे चतुर्थांश में हमारा क्या होगा, थीटा की वैल्यू 3π/2 से बड़ी होगी और 2π से छोटी
छोटी होगी, यानी यहाँ 0 से π/2 के बीच में यहाँ रहोगे, फिर π/2 से π के बीच में यहाँ रहोगे, फिर π/2 से 3π/2 के बीच में यहाँ रहोगे, फिर 3π/2 से 2π के बीच में यहाँ रहोगे। यानी पहला चतुर्थांश जो है वो हम लोगों ने कोण से संबंधित कर दिया कि जब थीटा हमारा 0 से π/2 होगा तो पहले चतुर्थांश में रहेंगे। अब हमको समझ में आ रहा है कि पहले चतुर्थांश में क्या होता है। पहले चतुर्थांश में ए और बी दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। चलिए पहले ऐसे चतुर्थांश का हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या होता है, धनात्मक होता है। द्वितीय चतुर्थांश में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव होता है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, धनात्मक होता है। तृतीय चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि इस यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो एक्स अक्ष पे परपेंडिकुलर डाल के ओरिजिन से लेंथ निकालोगे तो नेगेटिव होगा, और वाई से भी लेंथ निकालोगे तो वो भी नेगेटिव एक्स वाई में आएगा। चौथे चतुर्थांश में यहाँ से एक्स पे जो है अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो पॉजिटिव लेंथ आएगा, और वाई पे जो है नेगेटिव आएगा, तो ये क्या होता है, प्लस माइनस। और हमको पता है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा। यानी अब हम लोग बहुत सिंपली लिख सकते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव, चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। यानी अब हम लोग कहेंगे कि ऐसे हम लोग जो है एक कॉलम बना लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं हम लोगों का, ये पहला चतुर्थांश हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा। अभी पहले समझ ले रहे हैं, उसके बाद ये याद करने का तरीका एकदम ट्रिक बहुत अच्छा बता देंगे एकदम से, मतलब ये इसमें कोई वही नहीं पड़ेगा, तुरंत ही याद हो जाएगा आपको, याद करने में आसानी नहीं होगी, इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा कि सब कैसे याद होगा, एकदम सिंपल सा इसका रूल है याद करने का। ये हमारी होगी, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का मतलब हम लोग क्या लिख, चलिए ये यहाँ पे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो हम लोग क्या जानते हैं, कॉस थीटा। तो पहले चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों हमारे पॉजिटिव हैं, तो जो साइन थीटा की वैल्यू होगी, यानी साइन एक्स की वैल्यू होगी, साइन एक्स की वैल्यू पहले चतुर्थांश में क्या होगी, धनात्मक होगी। तो ये क्या हो गया, धनात्मक हो गया, क्योंकि साइन थीटा हमारा क्या है, वाई कोऑर्डिनेट, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, चलिए साइन एक्स हम लोग चारों चतुर्थांश में देख लेते हैं, चारों में देख लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, साइन थीटा बराबर बी, तो वाई कोऑर्डिनेट पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव, दूसरे चतुर्थांश में भी पॉजिटिव, तो साइन थीटा दूसरे चतुर्थांश में भी पॉजिटिव, तीसरे में नेगेटिव, चौथे में नेगेटिव, ये साइन एक्स हो गया। अब हम लोग कॉस एक्स की बात करते हैं, पहले चतुर्थांश में कॉस एक्स पॉजिटिव क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट, द्वितीय चतुर्थांश में नेगेटिव, तृतीय चतुर्थांश में कॉस एक्स नेगेटिव, चौथे में पॉजिटिव, तीसरा अब टेन एक्स। टेन एक्स हमारा क्या होता है, सिंपली साइन अपॉन कॉस, तो साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव को जब पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे, जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो हमारा टेन भी क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, पहले चतुर्थांश में टेन पॉजिटिव होगा, क्योंकि टेन एक्स हमारा क्या डिफाइन है, साइन एक्स अपान कॉस एक्स, तो पहले चतुर्थांश में यानी थीटा जब 0 से π/2, तो साइन कॉस दोनों पॉजिटिव, तो डिवाइड पॉजिटिव संख्या बटा पॉजिटिव संख्या पॉजिटिव। अब साइन बटा कॉस करोगे तो साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव, तो जैसे एक संख्या पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव है, तो टेन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जैसे -2/-5 करोगे तो -/- कैंसिल होके प्लस हो जाएगा, साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो गया, कॉट कॉट एक्स। अब कॉट एक्स क्या होगा हमारा, ये 1/tan x, तो ये 1/पॉजिटिव पॉजिटिव, 1/नेगेटिव नेगेटिव, 1/पॉजिटिव नेगेटिव, 1/tan नेगेटिव, सेक सेक एक्स, सेक हमारा क्या होता है, कॉस का, कॉस का 1/ करोगे तो अगर 1/ पॉजिटिव संख्या करोगे तो पॉजिटिव आएगा, 1/ नेगेटिव संख्या, तो 1/ पहले क्वाड्रेंट में प्लस संख्या करोगे तो प्लस,
क्योंकि वन अपान कास का उल्टा करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, वन अपान माइनस माइनस, और वन अपान माइनस माइनस, वन अपान प्लस प्लस सेक, और हमारा एक और बचा कोसेक एक्स, क्योंकि सेक और कोसेक का जो है मतलब जो रिवर्स करते हैं उसके साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी जहाँ पे साइन का जो साइन एक्स का जो होगा जिस कोऑर्डिनेट में वही चिन्ह हमारा क्या होगा कोसेक का होगा, तो यहाँ पे प्लस क्योंकि वन अपान करने पर ये वन अपान ये माइनस ये माइनस। अब देखिए ये क्या कर लिया हम लोगों ने, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक पहले क्वाड्रेंट में पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और पहले क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू हमारी क्या होती है, इसका मतलब कि थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हम लोग कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से पाई के बीच में, यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे एक्स की वैल्यू पाई से 3π/2 के बीच में, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3π/2 से 2π के बीच में। अच्छा अब जब इसमें जो है 2π ऐड भी कर देंगे यानी तो हम लोग जानते हैं घूम के फिर वहीं पहुंच जाएंगे, तो ये जो अभी जनरल इसका नहीं है, यानी कुल मिला के घूम के आप पहले कोऑर्डिनेट में अगर पहुंचते हैं तो साइन पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा, टैन पॉजिटिव होगा, कॉट पॉजिटिव होगा, सेक पॉजिटिव होगा, कोसेक, यानी पहले कोऑर्डिनेट में यानी पहले चतुर्थांश में हमारे सब के सब क्या हैं पॉजिटिव हैं, तो इसीलिए हम लोग ये जो इसका ट्रिक निकालते हैं पहले कोऑर्डिनेट में जो है आल, पहले कोऑर्डिनेट में क्या हो गया आल पॉजिटिव। अब सेकंड कोऑर्डिनेट में देखिए साइन पॉजिटिव, अब जब साइन पॉजिटिव होगा तो कोसेक तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा क्योंकि साइन और कोसेक का और सेक और कॉस का जो है साइन तो बदलता है नहीं, क्योंकि वन अपान करने से अगर धनात्मक संख्या का वन अपान धनात्मक संख्या तो धनात्मक, वन अपान ऋणात्मक संख्या तो ऋणात्मक, तो साइन का जो चिन्ह होता है वही कोसेक का और जो कास का होता है वही सेक का, तो आल, तो इसमें क्या हम लोग क्या कहेंगे दूसरे क्वाड्रेंट में हमारा क्या है साइन पॉजिटिव है, और साइन पॉजिटिव है इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि कोसेक भी पॉजिटिव होगा, दूसरे क्वाड्रेंट में हमारा क्या पॉजिटिव है साइन पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है निगेटिव है, कोसेक तो पॉजिटिव होगा क्योंकि साइन पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए क्या है टैन पॉजिटिव है, और जब टैन पॉजिटिव होगा तो कॉट तो पॉजिटिव होगा ही क्योंकि कॉट होता है हमारा वन अपान टैन, तो वन अपान पॉजिटिव संख्या को करेंगे तो हमारा वो पॉजिटिव आएगा, तो तीसरे में हम लोग क्या करेंगे आल साइन टैन, यानी तीसरे में केवल टैन पॉजिटिव, इसमें देखिए कॉस पॉजिटिव और जो कॉस पॉजिटिव होगा तो सेक तो पॉजिटिव होगा ही, तो आल साइन सॉरी आल साइन ये सेक लिख दे आल साइन टैन कॉस, तो ये हमारा क्या हो गया याद करने का ट्रिक हो गया, हम लोग क्या याद रखेंगे आल साइन टैन कॉस, इसका मतलब क्या हो गया कि पहले क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव, पहले क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव, तीसरे में केवल टैन की जब बात करी जा रही है तो आप काट को भी समझ रहे हैं कि वो भी पॉजिटिव होगा, और जब ये याद रखने के लिए केवल साइन की बात करी जा रही है तो कोसेक तो अपना पॉजिटिव होगा ही, और इसमें आल पॉजिटिव का मतलब साइन कास टैन कॉट, और इसमें जो है चौथे क्वाड्रेंट में जब आप घूम के पहुंचेंगे तो केवल क्या होगा हमारा कास पॉजिटिव होगा, कास पॉजिटिव का मतलब समझ रहे हैं कि सेक भी पॉजिटिव होगा, तो ये हमारा याद रखने का ट्रिक हो गया आल साइन टेन कॉस, ये हम लोग याद रखेंगे वर्ड आल साइन टेन कॉस, तो पहले में आल पॉजिटिव, दूसरे में साइन, तीसरे में टेन केवल पॉजिटिव, और जब साइन केवल पॉजिटिव है तो बाकी सब क्या होंगे निगेटिव होंगे, लेकिन कोसेक निगेटिव नहीं होगा, बात समझ रहे हैं, तो साइन कॉस टेन तीन ही साइन हम लोगों को मतलब रहता है क्योंकि बाकी जो अगले तीन होते हैं वो साइन कॉस टेन के उल्टे होते हैं और उनका चिन्ह वही होता है, जो जो साइन का चिन्ह होगा वही हमारा कोसेक का होगा, जो कॉस का चिन्ह होगा वही हमारा सेक का होगा, जो टेन का होगा वही हमारा कॉट का होगा, तो ये हमारा हो गया। आइए हम लोगों ने क्या पूरा देख लिया कि त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह जो है कैसे बदलते हैं अलग अलग कोऑर्डिनेट में, और एक चतुर्थांश में किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का मान जो है क्या रहता है अगर चिन्ह के वाई हिसाब से देखें तो क्या रहता है धनात्मक है तो धनात्मक ही रहेगा, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक, यानी एक क्वाड्रेंट में जो है किसी का चिन्ह नहीं बदलता, अगले क्वाड्रेंट में जाने पे चिन्ह बदल जाता है।
तो ये हम लोग याद रखेंगे कि कहीं जरूरत पड़ेगी तो इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, तब समझ में आएगा हमको क्या करना है। तो आल साइन टेन कॉस, पहले में आल पॉजिटिव, दूसरे में केवल साइन पॉजिटिव। तो साइन पॉजिटिव तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, कोसेक भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, टेन पॉजिटिव है तो कॉट भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो ये हो गया।